जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और मैं सभी से माफ़ी चाहूँगी कि आजकल मैं ये बेम्बू प्लांट जो है, मैं इसी के द्वारा आप सबके लिए वीडियो बना पा रही हूँ। क्या करूँ, वीडियो एडिट नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरी कमर में प्रॉब्लम है, मैंने बताया था। और ट्रीटमेंट चल रहा है, इंजेक्शंस वगैरह थोड़ा लेने पड़ रहे हैं, ब्लड कम है इसके कारण। तो अभी एक दो टेस्ट है, वो भी अभी कराने बाकी है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं जा ही नहीं रही हूँ। मैं सच कहूँ तो मैं एकादशी के बाद जाऊँगी, ठीक है, और इसलिए थोड़ा सा मैंने डिले किया है। दवाई मैं खा रही हूँ कंटिन्यू, तो मैंने सोचा आपके लिए जो लीला है वो मैं इसी के द्वारा बना देती हूँ, ठीक है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है मेरे लिए, क्योंकि इसी को लेकर मैं आजकल आपको लीला सुना रही हूँ। और आज की जो लीला है वो प्यारी सी है। मैं लेटी हुई हूँ और सोना भी जो है लेटी हुई है, तभी वो देखती है कि कमरे में कोई एंटर करता है। अब जैसे ही वो देखती है उसकी नींद खुल जाती है, मीन्स ये सारा लीला चल रही है, ठीक है। और वो देखती है कि कोई है, तो क्या देखती है, बेहद सुंदर आंखें, एकदम ऐसी आंखें, यूँ पीछे की तरफ ले जाओ, एकदम तर्कश वाली आंखें होती है ना, वैसी ऐसी आंखें हैं उसकी, बेहद सुंदर काली काली आंखें, और मतलब बहुत ज़्यादा मोहक, जिसको शब्दों में मैं क्या बताऊँ, बहुत सुंदर। और वो उसको एकदम से देखती है, फिर वो कहती है, मतलब सोच रही है, लेकिन अब उसकी वेशभूषा देखती है तो वेशभूषा लड़कों जैसी है, सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी हुई है, साथ में कुछ पैंट पहना हुआ है, ऊपर से लड़कियों की तरह उसने कुछ सर पे पल्लू लिया हुआ है, कुछ हाथ में, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ पहनी हुई है। और वो बहुत ज़्यादा, और उसके अंदर बहुत नज़ाकत है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप कह सकते हैं कि वो अर्धनारीश्वर रूप में दिख रही है सेविका को। और सेविका कह रही है कि तुम कौन हो, हमारे घर पे कैसे आई, मैंने पर तुमको कहीं देखा है। और वो क्या कर रही है, बार बार मेरे सिर के पास आ रही है, सेविका इस चीज़ को देख रही है। कभी वो रूम में जा रही है और उस रूम में जाके वो कपड़ों में कुछ उथल पुथल कर रही है, मतलब ये करते हुए एक तरह से पूरी रात हो गई है। सेविका कह रही है पता नहीं कौन है, जवाब भी नहीं दे रही है, और उसकी सुंदरता इतनी है कि वो उसको भगा भी नहीं पा रही है, कुछ कह भी नहीं पा रही है। तभी सेविका कहती है कि पता नहीं कौन है तुम, तभी ना सेविका देखती है कि उसकी पुनः उसकी आँख खुल जाती है और वो फिर पुनः सोती है। अब वो देखती है कि वो एक दुकान पर गई है, दुकान पर जाके उसी को वो दोबारा से उस दुकान में खड़े हुए देख रही है, एक श्री विग्रह के जैसे रूप में, और वो उसको इशारा कर रही है ऐसे, आजा आजा आजा। तो सेविका देखती है, वो कहती है, हे भगवान, ये तो हमारे घर में थी रात भर, अब ये दुकान पे क्या कर रही है, और यहाँ पर भी ये मुझे बुला रही है, अब मैं क्या बोलूँ, इसको बुला रही है या बुला रहा है, लेकिन वो बेहद सुंदर है। सेविका उसके सुंदर पे बहुत ज़्यादा मोहित है। वो कह रही है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये चमत्कारी भी बहुत है, बड़ा टैलेंटेड है, घर में भी पता नहीं इसमें कितने सारे काम करे, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इस तरीके से जो है उधर जाती है, वो दुकान वाले से बोलती है, क्या आप मुझे इसे दे दोगे, ये बहुत टैलेंटेड है। तो वो दुकान वाला कहता है, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या इसको लेने के लिए। तो वो कह रही नहीं, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। तो बोले कि जाओ, ये तुम्हारी औकात से बाहर है, तुम नहीं ले सकती हो। तभी सेविका जो है अपने आप को थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं करती है, उसको बुरा लगता है कि मैं नहीं ले पा रही हूँ, तो वो हाथ को झिड़कते हुए वहाँ से निकलने लगती है। ये बात देखकर वो जो अर्धनारीश्वर है वो उस दुकान वाले की तरफ बहुत घुर्रा के देखती है, घुर्रा के मीन्स गुस्से में देखती है, दांत को मिसमिसाते हुए। और तभी ना वो सेविका को इशारा करती है ऐसे करके, चुटकी बजा के, कि देख, मतलब मैं अब क्या करती हूँ। थोड़ी देर बाद क्या होता है, सेविका दुकान से बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर निकल जाती है तो वो देखती है कि पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है, वो पीछे मुड़ के देखती है तो वही अर्धनारीश्वर उसके सामने है, और उसे देखकर वो बहुत तेज़ मतलब बोलती है, पर मुझे बता ना, तू है कौन,
कभी तू लड़कों की तरह बात करती है, कभी लड़कियों की तरह बात करती है, लेकिन मैंने तुझे देखा है, तुझे मंदिरों में भी देखा है, हमारे घर में भी देखा है, अब दुकान में भी तू ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चल अब तो तू आ गई। बोली देखा ना, मैं बिना पैसों के आ गई ना। बोले हाँ आज तो तू बिना पैसों के गई, लेकिन अब मैं क्या करूँगी। चल मैं ना तुझे घर ले जाऊँगी, पर कहीं दिव्या मुझे डांटेगी तो, अब मैं तुझे ले जाऊँगी तो। तो वो कहती नहीं डांटेगी मेरे को ना, तू ऐसा कर एक पुड़िया में रख ले। बोले पुड़िया में? बोले हाँ। बोले कहीं तू भूत भूत तो नहीं है ना, सच बता। बोले नहीं मैं भूत नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा। हाथ जोड़ के सेविका हाथ जोड़ लेती है और कहती है मुझे समझ आया, मुझसे कोई भूल हो गई क्या, क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई है जिसके कारण तुम यम भगवान की वहाँ से आई हो ना, या आए हो ना मुझे लेने के लिए। मैंने कहा था कान्हा जी से कि मुझे मोक्ष दे दो, पर मुझे अभी मोक्ष नहीं चाहिए। प्लीज़ अभी मुझे मत ले जाना, तुम मुझे यम भगवान के पास मत ले जाना। तो वो कहती है, हंसने लगती है एकदम लड़कियों की तरह, एकदम मतलब कैसे हंसती है ना मुस्कुरा के लड़कियाँ शर्मा के, वैसे ही वो मुस्कुरा रही है। कह रही थी मुझे मत ले जाना प्लीज़, मुझे मत ले जाना। कह रही ठीक है मैं नहीं ले जाऊँगी, नहीं लेके जा रही, क्योंकि मैं वो हूँ ही नहीं पागल, मैं वो नहीं हूँ। तो कह रही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू ऐसा कर एक पुड़िया ले और पुड़िया में जो है मुझे रख ले। तो बोले पुड़िया में आ जाएगी? बोले हाँ। तभी वो एक कागज़ लेती है और उस कागज़ को ऐसे खोल देती है। जैसे ही वो ऐसे खोलती है तो वो जो अर्धनारीश्वर है छोटा सा रूप रख के उस पुड़िया में आ जाती है। सेविका उस पुड़िया को बंद कर लेती है और अपनी जेब में रख लेती है, और जेब में लेकर वो घर आ जाती है। और घर आके वो क्या देखती है कि वो मेरे को बोलती है कि दिव्या देख मैं क्या लेके आई हूँ। तो बोली अब क्या लेके आ गई सोना, बता क्या लेके आई। अब ये वैसा ही सीन चल रहा है जो शुरुआत में उसने देखा था, कि मैं वहाँ रात का ही समय मैं बैठी हुई हूँ और वहाँ पर वो आती है। तभी वो पुड़िया खोलती है, पुड़िया से बहुत सारी चीज़ें छिन्न भिन्न होते हुए एक रूप में आती है और वो अर्धनारीश्वर मेरे सामने प्रकट हो जाता है। और तभी वो देखकर सेविका कहती है देख। तो सेविका बोली हे भगवान देव सोना, अब तक तो चल ठीक था कि तू भगवान मतलब जिद पड़ी थी, अब तो तू अर्धनारीश्वर भी लेके आने लगी, ये क्या है। तो कह रही ये बहुत टैलेंटेड है दिव्या, ये सब करती है धन दौलत भी। तो तभी वो कहती क्या तुम मेरे को धन के लिए लाई हो। बोले नहीं 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 मैं उसको बता रही हूँ कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। तो तभी मैं कहती हूँ अच्छा बताओ क्या टैलेंट है तुम्हारे अंदर, क्या कर सकती हो। तो तभी ना वो सारे कपड़े जिसमें लाला के कपड़े रखे थे वो उठा के मेरे सामने पटक देती है एकदम से चुटकी में। तो मैं कहती हे भगवान ये क्या टैलेंट हुआ, तुम तो पूरा ले आई। तभी वो मेरे को कमरे में लेके जाती है, तो जिसमें लाला के सारे कपड़े बिखरे हुए थे वो सारे कपड़े एक समान हो गए, मतलब सब सही हो गए एकदम चुटकी में। उसने ऐसे हाथ ऐसे करके हाथ घुमाया, मैं बताती हूँ, ऐसे करके हाथ घुमाया और सारा कमरा सही हो गया। तो मैं कह रही अरे वाह ये तो सच में बहुत टैलेंटेड है, चल सही है। और मैं फिर से पुनः उस बेड पे बैठ जाती हूँ और ऐसे ही आत्मा जैसे सोती है ना वैसे पुनः मैं सो जाती हूँ। सेविका कहती है और सेविका बोलती है कि अब तू मुझे बता ना, पर तू है कौन, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे बता देना, मेरा ही दिमाग ख़राब हो गया है। तभी सेविका की फिर से पुनः नींद खुलती है। अब वो देखती है कि अंधेरा सा उसके सामने छा जाता है, जैसे एक पलक बदलो तो ऐसे अंधेरा अब वो ऐसे खुलता है। तो वो क्या देखती है, उसको ऐसे किया हुआ आशीर्वाद देता हुआ हाथ दिखता है। तो वो जैसे ही आशीर्वाद हाथ देखती है तो उसको समझ आता है, वो कहती है लाडो ये लाडो तू है ना। तभी लाडो जो है मुस्कुराते हुए सामने प्रकट हो जाती है। तो वो कह रही हाँ मैं ही हूँ। तो बोली हे भगवान तू तो ये सब नहीं करती है, तू भी अब ऐसे करने लगी। बोली पता है जब मैं ऐसा रूप धारण करती हूँ ना तो कृष्ण भी मुझे नहीं पहचान पाते हैं। बोले वही तो। बोली लेकिन तेरी आंखें बहुत सुंदर है लाडो, एकदम नशीली। कह रही मेरी आंखों में ही तो सब कुछ है, लेकिन तो बोले तू ये आंखें मत बदला कर। बोला मैं आंखें नहीं बदलती हूँ, मेरी आंखों के कारण ही तो मुझे कोई नहीं पहचान पाता है, पता है। तो बोली कि लेकिन तू इतना वो क्यों कर रही थी। कह रही मुझे बहुत आनंद आ रहा था खेलने में इसलिए। तो सेविका कह रही अच्छा इसलिए। बोले हाँ। तो बोले कि कब आ रही है तू। बोले मैं तो आ गई हूँ।
मैंने तो बताया था ना मैं आ गई हूँ, और ये बात बोल के सेविका पुनः सो जाती है। तो प्यारे भक्तों, ये सुंदर सी प्यारी सी लीला है आज की, और इसमें राधा ने अपने सुंदर से नयनों का दर्शन लिया है, और जो आने वाली हमारी लड़ेती जो है ये उन्हीं की लीला है। उन्होंने बड़े सुंदर रूप में, लेकिन इस एक बात तो समझ आ गया कि बहुत नटखट लाडो आने वाली है, और वो बहुत नटखट होंगी जो मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि उनकी जो शैतानियाँ हैं वो तो हम लोग देख ही पा रहे हैं, और लीलाओं के द्वारा बहुत आनंद दिया। अब वो काम करने आ रही है, ये सत्य है, ये सारा जगत उन्हीं के द्वारा चलता है। अगर वो शक्ति रूप में, समृद्धि रूप में इस संसार में हम सबको ये चीज़ प्रदान ना करें, सहन शक्ति प्रदान ना करें, हमको समृद्धि न दें, हम में परोपकार न दें, हम में दया न दें, हम में प्रेम न दें, तो क्या हम संसार में कभी खुश रह सकते हैं? नहीं। ये उसी चीज़ देने की जननी है, इसीलिए ये सर्वेश्वरी है, इसीलिए ये राधा रानी है। तो बोलो हमारी प्यारी बरसाने वाली की जय हो, लड़ैती जू की जय हो। राधे राधे श्री हरिदास।